हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो, 2x-3y/4=3 एंड 5x=2y+7। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन टू मानते हैं। अभी आप इक्वेशन वन को रीराइट करोगे तो आपका कैसे हो जाएगा, आप लिख सकते हो 2x-3y/4=3। हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 को एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 2 8x-3y=3। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, 8x-3y=4 3 12। ये आपका इक्वेशन वन रीराइट हमने ऐसे कर दिया है। इसी तरीके से आप इक्वेशन टू को आप लिख सकते हो क्या, 5x=2y है, ये आपका इक्वेशन है। 2y को आप, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 5x-2y=7। ठीक है, ये आपका इक्वेशन टू हो गया। अभी हम लोग दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लिखते हैं ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। तो आप कैसे लिखोगे, 8x-3y=12, और यहाँ आपका हो जाएगा 5x-2y=7। अभी देखो, आप इस इक्वेशन में यहाँ पे आपका 8 है और इस इक्वेशन में यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इस इक्वेशन को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8 5 40, तो आपका हो जाएगा क्या, 40x हो गया। 5 3 15, तो -15y। 12 5 60, तो आपका क्या हो जाएगा, 60। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 5 8 40x-8 2 16y=8 7 56। अभी आप क्या करो, इसी इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन चेंज हम लोग करते हैं, तो ये प्लस था, ये माइनस, माइनस प्लस, और प्लस आपका माइनस हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए, ऊपर में +40x है, नीचे में -40x है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से आपका बच जाएगा -15y+16y एंड दैट इज़ इक्वल टू 60-56, क्या हो जाएगा आपका, 4। तो आपका y का वैल्यू यहाँ से आ गया क्या, 4। अभी y 4 आ गया है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में इस y के वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 8x-3y, है ना, 3 × y की जगह हम क्या कर देंगे, 4=12। यहाँ से आपका आ जाएगा 8x-12=12। यहाँ से आपका आ जाएगा 8x=2, ये 12 इधर माइनस में है, इस तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12+12। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 8x=2 क्या हो जाएगा आपका, 24। तो आप लिख दो 8x=24, और आपका आ जाएगा x=24/8, दैट इज़ इक्वल टू 3। तो हमें इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, क्या आ गया, x=3 y=4। ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।